ये कुदरत का करिश्मा है या फिर माजरा है कुछ और, इस अद्भुत जगह पर नहीं ढलता कभी सूरज। रात के 2 बजे हो या दिन के 12, हमेशा खिली रहती है धूप। कभी भी टहलने निकल जाते हैं लोग, कभी भी बच्चों को जाना होता है स्कूल। यहाँ चांद सितारों के दर्शन करने के लिए तरस जाते हैं लोग। न दिन का पता चलता है और न रात की लगती है भनक। दिनचर्या को व्यवस्थित करने में लोगों को होती है बहुत दिक्कतें। सोचिए अगर कभी रात ना हो तो क्या होगा, और सोचिए अगर एक बार रात हो जाए तो फिर दिन ना निकले तो क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा भी कहीं होता है, लेकिन अगर हम कहें कि ऐसा होता है और इसी धरती पर होता है तो फिर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। दरअसल सामान्य स्थिति में 24 घंटे के समय चक्र में 12 घंटे रात तो 12 घंटे दिन रहता है, लेकिन एक जगह इस धरती पर ऐसी भी है जहाँ सूरज कभी नहीं डूबता, यहाँ हमेशा दिन रहता है। लोग किसी भी वक्त सड़कों पर टहलने निकल जाते हैं और लोग किसी भी वक्त दफ्तर के लिए चल देते हैं। कभी रात ना होने की वजह से इस जगह पर सामान्य दिनचर्या को व्यवस्थित करने में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ के लोग अब घड़ी की बंदिशें हटाने की मांग कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम पहेलियां बुझा रहे हैं, लेकिन आप आखिर तक हमारे साथ रहिए। आपको पूरी खबर देखने के बाद हमारी बात पर यकीन भी होगा और आप माथा पीटने पर भी मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिन रात का कॉन्सेप्ट होने की वजह से ही हमारी जिंदगी इतने व्यवस्थित ढंग से चल पाती है, वरना बड़ी मुश्किल हो जाती। हालांकि आज हम आपको ऐसी ही जगह के बारे में बताएंगे जहां कुछ महीनों तक दिन रात होते ही नहीं है। नॉर्वे में एक ऐसा आइलैंड है जहां साल में कुछ महीने ऐसे गुजरते हैं जिसमें सूरज ढलता ही नहीं है। सोचिए जब सूरज नहीं ढलेगा तो आखिर कोई कैसे अपनी लाइफ साइकिल को ढंग से जी पाएगा। अजीब बात यह है कि कुदरत का यह अनोखा नजारा आर्कटिक सर्कल में पड़ने वाले आइलैंड समारोह में देखा गया है। इस जगह पर मई से लेकर जुलाई तक कुल 70 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज डूबता ही नहीं है। फिर अगले 3 महीने ऐसे होते हैं जब सूरज निकलता ही नहीं है, यानी 70 दिन 24 घंटे उजाला रहता है और 3 महीने 24 घंटे अंधेरा। ये अजीबोगरीब दिन रात का चक्र यहाँ रहने वाले 300 नागरिक झेलते हैं और ये उनके लिए काफी मुश्किल होता है। ऐसे में वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनके इलाके को दुनिया का पहला टाइम फ्री जोन घोषित कर दिया जाए। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ के निवासी टाइम फ्री जोन होने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। उनके मुताबिक 70 दिन उनके लिए समय मायने ही नहीं रखता। वे रात के 2 बजे भी घर पेंट कर सकते हैं, सुबह 4 बजे स्विमिंग कर सकते हैं। यहाँ के लोग अपने बिजनेस और काम के लिए घड़ी का सहारा नहीं लेते। हालांकि होटल और लॉज जैसे बिजनेस के लिए घड़ी का सहारा लिया जाता है, फिर भी बहुत से लोगों का मानना है कि वे अपनी जिंदगी को फ्री होकर जीना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें घड़ी की बंदिश नहीं चाहिए। लोगों की मांग को लेकर सरकार पसोपेश में है कि आखिर कैसे इस मांग को पूरा किया जाए और घड़ी की बंदिश हट जाए, तो फिर लोग कैसे अपने दैनिक कार्यों को पूरा करेंगे। सवाल तमाम जहन में कौंध रहे हैं, लेकिन जो हालात हैं वो कई संशय भी पैदा करते हैं। आपकी नज़र में क्या ये कुदरत का करिश्मा है या फिर माजरा कुछ और नज़र आता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।